चलिए संवाददाता राहुल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आगर मालवा से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, आगर मालवा की अगर हम बात करें, तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शुभांगी, आगर मालवा जिले के दो जनपद पंचायतों में आज मतदान हो रहा है और दोनों ही जनपद पंचायतों में अभी तक शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका है। 298 मतदान केंद्रों पर यह मतदान आज होना है। मैं इस समय रूपारेल जो नलखेड़ा जनपद पंचायत का जो एक गांव है जो यहाँ पे सुईगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदान केंद्र भी यहाँ बना हुआ और इस मतदान केंद्र पर अभी तक एक भी मतदाता ने अपना मताधिकार का उपयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि जो पोलिंग एजेंट के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो भी अभी तक नहीं भरे गए। यानी संपूर्ण जो ग्रामवासी है उन्होंने एक मत होकर यह निर्णय लिया है कि वह चुनाव मताधिकार नहीं करेंगे, यानी चुनाव का बहिष्कार उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे उनका जो कारण बताया जा रहा है, कारण का है कि जो रोड है उनका पर रोड यहाँ से 3 किलोमीटर का रोड जो मुख्य मार्ग तक जुड़ता है वह नहीं बना है और इसी को लेकर रूपारेल के जो गाँव के वासी उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बहिष्कार किया था और उस समय अधिकारियों के आश्वासन के बाद कि जल्द ही आपका रोड बना दिया जाएगा, उसके बाद इन गांव वालों ने लगभग 3 बजे दिन में वोटिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद आज दिनांक तक रोड का निर्माण कार्य यहां पर नहीं हो पाया। इसको लेकर ग्रामवासियों ने वापस से इस ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर से बहिष्कार किया है। 300 से अधिक आबादी वाला यह गाँव है, 300 से अधिक वोटर इस गाँव में है और यह सुईगांव ग्राम पंचायत के अधीन आता है, इसलिए इन गाँव वालों ने रोड की समस्या को लेकर संपूर्ण मतदान का आज बहिष्कार किया है। इसके साथ ही जामुनिया एक गांव है जो सुसने जनपद पंचायत क्षेत्र में आता है, वहां के जो ग्रामीण उनके द्वारा भी इस चुनाव में बहिष्कार किया गया। उनका मत है कि उनके दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया, यानी बिना ग्रामीणों की या मतदाताओं की सहमति से उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया, इसलिए उन्हें भी इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज बहिष्कार किया है। इसलिए जिले के बाकी तमाम मतदान केंद्रों पर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1,54,725 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और तमाम सेक्टर अधिकारी और जो जितने भी पुलिस मोबाइल पार्टी है सब निर्वाचन क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है और अभी तक तमाम आगरमालवा जिले में शांतिपूर्ण रूप से मतदान सभी जगह जारी है। शुभांगी, चलिए धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कुछ ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं, कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पर लगातार वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है, सफलतापूर्वक मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो बता दें मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, 39 जिलों में आज मतदान जारी है।